बात हुई थी मुख्यमंत्री साहब जी? हमें हुई, हमने उनको ज्ञापन भी दिया और उन्होंने उसे सहदिल से स्वीकार भी कर। क्या लगा, कुछ पॉजिटिव था या टरका दिए? नहीं सर, हमारी बात सुनी तो गई है लेकिन अब उस पर कितना काम किया जाएगा वो हमें नहीं पता। तो अभी उम्मीद है हो जाएगा? हाँ सर, हमें उम्मीद है क्योंकि इसी सरकार ने आज तक जितने भी काम है, जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कच्चे कर्मचारी हैं, सभी का काम जो इन्होंने सुना है और उनको इंक्रीमेंट भी दिया है, बेरोजगारी भत्ता भी धीरे धीरे वो दे रहे हैं। तो भाई, इस टाइम उगालन गांव में हाँ और मुख्यमंत्री साहब यहाँ पर आए थे, वैसे तो और भी बात करेंगे लेकिन यहाँ पर एक ग्रुप आया है कॉलेज से, ग्रुप नहीं पूरा हरियाणा का रिप्रेजेंटेशन बोलो ना एक बार को। हाँ, पूरे हरियाणा का रिप्रेजेंटेशन। हाँ जी, हाँ जी। कॉलेज से आए हैं भाई कुछ टीचर प्रोफेसर, उनसे बात करा। बेबे कैसे आना हुआ, मुख्यमंत्री साहब से बात हुई कि नहीं हुई? जी बिल्कुल, हम यहाँ उगालन गांव में राजकीय महाविद्यालय जो कि पूरे हरियाणा में है उनमें एक्सटेंशन लेक्चरर जो काम कर रहे हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और मुख्यमंत्री से बहुत ही तहदिल से प्रार्थना और गुहार लगाने आए हैं कि हमें जॉब सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि 25,000 भी इसी सरकार ने किए थे और हमारे 57,000 भी इसी सरकार ने किए थे और हमें हमारे मुख्यमंत्री से पूरी दिल से और पूरा हमारा मन है कि भी वो हमारी रिक्वेस्ट को जरूर मानेंगे, हमारी प्रार्थना को जरूर महसूस करेंगे कि हम 12 साल से लगातार राजकीय कॉलेज में महाविद्यालयों में काम कर रहे हैं क्योंकि हमारा घर का खर्चा सारा इसी चीज़ से चल रहा है और हमें हमारे मुख्यमंत्री पर पूरा विश्वास है कि वो हमें जॉब सिक्योरिटी भी देंगे। बात हुई थी मुख्यमंत्री साहब? जी हमें हुई, हमने उनको ज्ञापन भी दिया और उन्होंने उसे सहदिल से स्वीकार भी कर लिया है। तो फॉर्मेलिटी वगैरह एक ढंग से बात सुनी है? हाँ बिल्कुल, उन्होंने सुनी, जितना उन्होंने हमें टाइम दिया उस टाइम में उन्होंने हमारी बात सुन ली है। क्या लगा, कुछ पॉजिटिव था या टरका दिए? नहीं सर, हमारी बात सुनी तो गई है लेकिन अब उस पर कितना काम किया जाएगा वो हमें नहीं पता। ये सर, हाँ, और दूसरा सर मैं ये बात कहना चाहूँगी कि ऐसे ही नहीं हम आ गए हैं, हर तरीके की एलिजिबिलिटी जो एक प्रोफेसर की होनी चाहिए, नेट है, PhD है, एक्सपीरियंस है, सब कुछ है सर। राजकीय पूरे महाविद्यालय में इतना परमानेंट स्टाफ नहीं है जितना हरियाणा के स्टाफ में एक्सटेंशन लेक्चरर्स का चल रहा है सर, तो डेफिनेटली हमें सर मिलना ही चाहिए और उनसे हमारी प्रार्थना है कि वो हमें दे भी, क्योंकि हर तरीके की एलिजिबिलिटी हमारे पास है सर। सर आप भी फैकल्टी में ही हैं? हाँ, मैं भी एक्सटेंशन लेक्चरर हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज जींद में हूँ और हम यहाँ एक रिप्रेजेंटेशन लेके आए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मिले, हमारे को एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी यहाँ से मिली है कि मुख्यमंत्री जी हमारी मांगों पे ज़रूर ध्यान देंगे। और एक चीज़ हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि जो एक्सटेंशन लेक्चरर हैं, हमारा पढ़ाने के अलावा जितने भी गैर शैक्षणिक कार्य हैं, जैसे इलेक्शन का काम होता है, सर्वे का काम होता है, या इसके अलावा जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं एकेडमिक से रिलेटेड, वो सारी की सारी एक्सटेंशन लेक्चरर हम बखूबी कर रहे हैं और 10-12 सालों से लग रहे हैं। तो पहली बार मांग उठाई है क्या या पहले भी उठ चुके हैं मांग? कई बार हमने मतलब अलग अलग मंच पे मांग की है, तो हमारी रोड जाम करने वाली स्थिति आई नहीं है? नहीं, वो रोड जाम तो हमने उस तरह की बात भी हुई है, पहले भी हमने बात की इस तरह की, लेकिन जहाँ यह है कि एक बौद्धिक वर्ग होता है उसका अपना तरीका होता है, क्योंकि हम एक तरीके से ही चल सकते हैं, हम एक कोरम में चलना चाह रहे हैं और हमारा जो मतलब एक क्राइटेरिया है पढ़ाई लिखाई का, हम उसी माध्यम से चलते हैं। हमने एक ये माध्यम चुना है, मैं सबसे पहले आपका भी थैंक्स करना चाहूँगा कि अगर आपके माध्यम से लोगों के पास हमारी आवाज़ जाती है तो कम से कम हरियाणा में ये समझे कि एक्सटेंशन लेक्चरर होता क्या है, किस चीज़ के लिए एक्सटेंशन लेक्चरर रखे गए हैं। एक रेगुलर जो प्रोफेसर्स हैं उनके अलावा एक्सटेंशन लेक्चरर का जो काम है वो भी उतना ही है, क्योंकि हमारे को इसी सरकार का हम धन्यवाद अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने समान काम समान वेतन दिया, और समान काम समान वेतन इसीलिए दिया गया कि 2014 से पहले कितना वेतन था? ये ऐसा था कि लेक्चर बेस पे था, अलग अलग टाइम पे, पहले 250 रुपये भी था कभी, तो महीने में कितना पड़ जाता था? हाँ पहले तो 18 कभी 12,000 18,000, फिर सरकार की हो रही कि 25,000 बने, फिर 25,000 फिक्स हुए, फिर उसके बाद 57,700, मतलब हमारे पास सारे तरह के जो एक्सटेंशन लेक्चरर हैं सब प्रकार की हमारे पास एलिजिबिलिटी है, नेट PhD सारे क्वालिफाइड हैं। ठीक है, वो बात बता दी। तो अभी उम्मीद है हो जाएगा? हाँ सर, हमें उम्मीद है क्योंकि इसी सरकार ने आज तक जितने भी काम है, जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कच्चे कर्मचारी हैं, सभी का काम जो इन्होंने सुना है और उनको इंक्रीमेंट भी दिया है, बेरोजगारी भत्ता भी धीरे धीरे वो दे रहे हैं, नई नई स्कीमें भी लेके आते हैं, जैसे आपने सुना होगा कौशल रोजगार के तहत लगाते हैं, और जैसे जितने भी पॉजिटिव स्टेप्स हमारे लिए हुए हैं वो इसी सरकार के में हुए हैं। अभी इसी सरकार ने बोल का फ़ायदा भी है नुकसान भी है, चलो कोई बात नहीं, इनका काम हो जाए तो हमने और के चाहिए भाई। फिलहाल तो यह वीडियो इतनी, धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।